वेलकम फ्रेंड्स, प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे पास में है एक EMMC IC। मैंने आपको पहले भी एक EMMC IC की वीडियो दिखाई है, लेकिन ये अलग है, आप देख सकते हैं। इसकी जो IC है, इसका नंबर BGA 254 होता है, और इस IC को कैसे रिवोल्व करना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इस IC में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए यहाँ पर दो बोल्स हैं, आपको बहुत कम नज़र आ रही होंगी। साथ ही यहाँ पर आपको बिल्कुल ये छोटी सी बोल्स हैं, हल्की हल्की, ये भी और ये दोनों बोल्स हैं, ये भी कैसे हमें ठीक करनी है जब वो ब्लैकआउट हो जाएं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और साथ ही इसको EMMC को रिवोल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इस IC के ऊपर थोड़ी सी पेस्ट है वो लगा लेंगे, और पेस्ट लगाने के बाद में इसको डिसोल्डर वायर से क्लीन करेंगे, जो भी इसके ऊपर शोल्डर की बॉल्स वगैरह जो शोल्डर रह जाता है उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से जो है हम इस IC को क्लीन कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, जो IC है वो क्लीन हो चुकी है, और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा, देखिए यहाँ पर जो आपको एक बोल्स दिखाई नहीं दे रही थी अच्छे से, तो देखिए अभी एक तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी है वो भी ऐसे की ऐसी है। तो इसको हम जो है हल्का हल्का ऐसे जो हमारी ट्वीजर है उससे हल्का हल्का ऊपर से साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद में इसको एक बार दोबारा डिसोल्डर की हेल्प से यहाँ पर हल्का हल्का डिसोल्डर वायर यूज़ करेंगे। तो देखिए ये क्लीन तो हमारी हो गई है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर 183 वाली शोल्डर पेस्ट है वो लगा लेनी है। ये देख सकते हैं आप, जो शोल्डर पेस्ट है वो मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब आयरन की हेल्प से इस शोल्डर पेस्ट से हम इसकी जो ये पैड्स होते हैं इनको सोल्ड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी बोल्स हमारी ब्लैकआउट हो जाती हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो हमारी जो बोल्स हैं वो भी सोल्ड होके अच्छे से ठीक हो जाएंगी, वो भी रिपेयर हो जाएंगी, वो ब्लैक नहीं रहेंगी, वो सारी अच्छे से सोल्ड हो जाएंगी। और देखिए ज़्यादा ज़ोर लगा के इसको नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से, देखिए बिल्कुल आराम आराम से जितनी बोल्स हैं उनको हम धीरे धीरे सोल्ड कर देंगे। सारी बोल्स हमें सोल्ड नहीं करनी है, अगर सारी आप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप थोड़ी बहुत बोल्स हैं उनको सोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बोल्स हैं इनको सोल्ड कर दिया, अब जो है हम इस IC को क्लीन कर लेंगे IPA की हेल्प से। तो देखिए मैंने इसके ऊपर IPA लगाया है, अब इसको हम यहाँ पर क्लीन कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, जो हमारी IC अब अच्छे से क्लीन हो गई है। अब जो है हम इस IC को रिवोल्व की जो प्रोसेस है इसकी वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है ये सारी हम कर लेंगे, और अब जो है इसको हम रिवोल्व की जो प्रोसेस है इसकी वो स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं हमने इसको क्लीन भी कर लिया है अच्छे से। तो क्लीन करने के बाद जो हमारी EMMC IC है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की वो हो गई है। देख सकते हैं आप किस प्रकार की ये हमारी EMMC IC हो गई है। कुछ बाल्स हैं वो सोल्ड हुई हैं हल्की हल्की, और कुछ हैं वो अभी भी अनसोल्ड हैं। तो अब जो है हमें क्या करना है कि हमें एक टिश्यू पेपर ले लेना है। देख सकते हैं आप, ये मैं एक टिश्यू पेपर ले रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं जो इस IC को रख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हम इसको सेट करेंगे, इस IC को यहाँ पर रख के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी जो IC है टिश्यू पेपर में सेट हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करना है, अब जो है हमें 183 वाला शोल्डर पेस्ट ले लेना है, 183 वाला, 183 डिग्री का है ये। और इसको लेने के बाद में इसको हमें, देखिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ, देखिए इस प्रकार से एक दूसरा टिश्यू पेपर लिया है मैंने, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर
इसके ऊपर हम थोड़ी सी जो ये पेस्ट होती है हमारी शोल्डर पेस्ट, उसको लगा लेंगे। थोड़ी सी लगाएंगे क्योंकि थोड़ी सी पेस्ट में हमारा काम हो जाएगा, जितनी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। और देखिए अब इसको लगाने के बाद में हम इसको टिश्यू पेपर से ही कवर करेंगे और इसको देखिए थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। जो हमने शोल्डर पेस्ट लगाई उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखिए अब प्रेस करने के बाद में ये जो शोल्डर पेस्ट है इसके अंदर से जो लिक्विड होता है वो निकल जाता है, सारा तो नहीं निकलता लेकिन काफ़ी ज़्यादा है वो निकल जाता है। हमें जो फेस्टस को ड्राई करना होता है थोड़ा थोड़ा, तो देखिए ये ड्राई मैंने कर ली है पेस्ट। अब जो है हम इस पेस्ट की हेल्प से ये जो हमारी आईसी है इसको रिवॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये स्टेंसिल है, ये देख सकते हैं आप, कोको कंपनी की, और ये 6-in-1 है। और दिखाता हूँ आपको EMCP वाली स्टेंसिल, जिसके अंदर देखिए आपको सिर्फ EMMC की जो आईसी होती हैं इनको रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये स्टेंसिल मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BGA 2254 है ये, और इसी से जो है हम इस आईसी को रिवॉल्व करेंगे। तो मुझे यहाँ पर इसको सेट कर लेना है, ये जो आईसी है इसके ऊपर। और जैसे सेट करूँगा, हमने इसको थोड़ा थोड़ा सोल्ड किया है तो ये हमारी सेट हो गई है। तो देखिए अब ये हिल नहीं रही है अगर मैं इसको हिला रहा हूँ तो, क्योंकि जो बोल्स हैं वो आईसी के अंदर तक सेट हो जाती हैं। अब जो है हमने जो पेस्ट ड्राई की है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। देख सकते हैं आप ये पेस्ट हमने ड्राई कर ली है, आप चाहें तो टूल से लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए इस प्रकार से भी आप इसको लगा सकते हैं आसानी से। ज़्यादा प्रेस करके नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है। और जब आपको लगे कि हाँ ये सारे जो हमारे इसके होल्स हैं उसमें चली गई है, भर गई है, तो फिर हम इसको साइड में कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से जो हम इसको क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद में देखिए इस प्रकार जो बेंट ट्वीज़र आती है इसकी हेल्प से हम इस प्रकार से इसको रखेंगे। अब जो है हमारी SMD इसको ऑन करेंगे, और SMD का जो टेम्परेचर है 325 इतना कुछ रखेंगे। एयर है वो 2 से 3 हम रख सकते हैं। इतना रखने के बाद में देखिए अब हमें इसको एक किनारे पर लगा लेना है। जो हमारी SMD की नोज़ल है उसको हम एक किनारे पर सेट कर लेंगे। थोड़ा सा फोकस है वो एडजस्ट किया है, और अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसको कैसे ये रिवॉल्व होती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया वैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ, सिर्फ MMC IC है वो पहले वाली वीडियो में अलग थी और ये है ये अलग है, तो सर सेम ही होती है MMC की। आप करेंगे तो आपको आसानी से रिवॉल्व करनी आ जाएगी। देखिए बोल्स हैं वो बनने लग गई हैं, देख सकते हैं आप एक साइड से जो बोल्स हैं वो कितने अच्छे प्रकार से बन रही हैं। देख सकते हैं आप जो हमारे बोल्स हैं AMFC की वो बन चुकी हैं। अब जो है हमें सिर्फ कुछ सेकंड का वेट करना है और फिर हम इसको हटा लेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो AMFC IC है उसको हमने रिवॉल्व किया, वो कितनी अच्छी से रिवॉल्व हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये पीछे की तरफ AMFC IC लगी हुई है, तो इसको जो है हम अब निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा IP है वो डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा लूज हो जाए और आसानी से निकल जाए।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आईसी तो हमारी रिवॉल्व हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कुछ होल्स हैं वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की हो गई हैं, तो इसके लिए हमें जो है इसे कट करना होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ब्लेड की हेल्प से हम इसको कट कर देंगे। इससे ये जो बोल्स हैं छोटी बड़ी हैं वो एक साइज़ की बन जाएंगी। ये EMMCIC साइज़ इसीलिए नहीं निकल रही थी क्योंकि जो बोल्स हैं वो कुछ बोल्स बड़ी बन गई हैं और वो इसको निकलने नहीं दे रही। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो हमें बोल्स की कटिंग करनी होती है, अगर कुछ बोल्स छोटी या कुछ बोल्स बड़ी हो जाएँ तो। अब हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। उनके साफ़ करने के बाद में एक बार दोबारा से हमें इसको हीट करना है। देख सकते हैं जो बोल्स हैं वो बन गई हैं। अब चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं इसका और फिर हम जो EMMC की स्टेंसिल है उसको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप, अब जो हमारी EMMC की IC है बड़ी आसानी से निकल चुकी है। यहाँ पर मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ इसको। देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो हमारी EMMC की IC है वो रिवॉल्व हो चुकी है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी जो पेस्ट है वो लगा लेंगे, थोड़ी सी पेस्ट है जो मैंने इसके ऊपर लगाई है। और अब जो हम इसको थोड़ा सा दोबारा से हीट करेंगे, इससे क्या होगा जो बोल्स हैं हमारी इसकी वो अपने प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर शेप में आ जाएंगी। देख सकते हैं आप एक एक बोल है वो आपको चमकती हुई नज़र आएगी। देख सकते हैं साइड में से अगर दिखाऊं तो देख सकते हैं कितने अच्छे से जो बोल्स हैं वो बने हैं, और सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की हमारी EMMC IC दिखाई देगी। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी EMMC IC रिवॉल्व हो चुकी है। चलिए अब इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं मैं और क्लीन करके दिखाता हूं, फिर आपको और अच्छे से जो हमारी EMMC IC है वो नज़र आएगी। तो अब देखिए अब जो है आप IC की हर एक बोल को आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए आप एक एक बोल है उसको गिन सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली हमारी जो IC है रिवॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस IC को रिवॉल्व करने की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।